गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था 1.2, उसका लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें ये चेक करना है, यहाँ पर ये कुछ सेट्स दिए हैं ABC करके, टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, और हमको इसमें ये चेक करना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, फाइनाइट मतलब लिमिटेड आंसर है इसका, या इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड आंसर। जैसे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, अनलिमिटेड है, कहाँ खत्म होते हैं पता नहीं, तो इनफाइनाइट होते हैं। और जो लिमिटेड है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स आते हैं टोटल बताओ, तो आप बोल सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खत्म। अगर मैंने कंडीशन दे दी कि 10 तक ही चाहिए, तो इसे जो लिमिटेड हो गया आंसर दैट इज कॉल्ड फाइनाइट, और जो अनलिमिटेड आंसर है उसको इनफाइनाइट। तो यहीं पर हम अब एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन है, तो कंडीशन क्या है कि x जो है वो लेस देन 10 है, और आगे x है क्या, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नंबर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, तो कौन से नंबर्स चाहिए, तो नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो सिंपल है, वही 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इनको कौन से नेचुरल नंबर चाहिए, 10 से लेस, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, 9 तक ही लेना है, बिकॉज द कंडीशन इज लेस देन 10। हियर यू कैन सी द साइन, x इज लेस देन 10, ओके, इक्वल नहीं है, तो आपको 9 तक ही लिखना है। अब देखो लिमिटेड आंसर है कि 9 तक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनाइट, ऐसे लिख देने का कि दिस इज अ फाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं सेकंड में, यहां पर क्या बोला है, -1 से लेस। अब -1 से लेस क्या होता है, अगर आपको नंबर लाइन याद होगी, ऐसे होती है नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर आगे और नेगेटिव नंबर पीछे, और ये भी बहुत लंबा तक जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब अनलिमिटेड ही है। तो यहाँ पे इनको क्या चाहिए, लेस देन, y जो है वो लेस देन -1, तो लेस देन मतलब पीछे जाना है, तो माइनस वन से भी लेस क्या होता है, -2, -3, -4 ऐसे, तो वो हमें आंसर में चाहिए, ओके। और इंटीजर्स लिखा है, इंटीजर्स मतलब सब आ गया उसके अंदर, नेगेटिव नंबर, 0 भी आ गई और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में सब कुछ आ जाता है, पॉइंट वाले या अपॉन वाले नंबर नहीं आते, जो नॉर्मल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो। तो यहाँ पर चाहिए -1 से स्मॉल, तो -1 से स्मॉल होगा -2, -3, -4। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि इसको स्टॉप क्या करना है, एज गिवन इन दी फर्स्ट क्वेश्चन कि 10 से लेस देना है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि -1 से लेस है, लेकिन कहाँ पर स्टॉप करना है वो नहीं दिया, तो फिर ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि डॉट 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 लिमिट नहीं है इसका कि कहाँ पे स्टॉप करना। सी में आ जाते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अभी तो आपको याद नहीं होगी आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन ओके, नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यदि आप इसको बस डायरेक्ट लिख दो इसको कि ये फाइनाइट है कि नहीं। अब आपकी क्लास में जो होगी, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड में ही हो, तो 9th स्टैंडर्ड में जो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होंगे वो लिमिटेड ही होंगे, अनलिमिटेड थोड़े होंगे, पूरे स्कूल में भी लिमिटेड ही होते। तो सी को आप डायरेक्ट लिख दो, फाइनाइट सेट, ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है सेट ऑफ पीपल ऑफ योर विलेज। अब आपके गांव में भी कितने लोग हैं, ओके, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन लिमिट ही होते हैं, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, तो इसको भी आप लिखो फाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट सिर्फ स्टार है स्काई में और नंबर्स होते हैं ज़्यादातर। आगे सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, ओके, अपैरेटस मतलब क्या है, लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत कुछ होता है लेबोरेटरी में, जो आपकी साइंस की लैब होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सबको अपैरेटस बोलते हैं, तो वो भी एक लिमिटेड ही होंगे, है ना, जो भी उसमें हो, टेस्ट ट्यूब हो, वो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर होती है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो भी लिमिटेड ही होती है, तो ये भी एक फाइनाइट ही आएगा। ओके, तो यहाँ चीज़ों के नाम लिखना नॉट कंपलसरी, फिर भी अगर स्कूल की टीचर्स बोलते हैं कि नहीं कुछ फ्यू नेम्स यू हैव टू राइट, तो लिख देना थोड़ा बहुत, अदरवाइज अभी कितने हैं हमें नहीं मालूम ना, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फाइनाइट है बस। अब आगे जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। अब पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंटीजर्स मैंने बताया जो नेगेटिव भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जो हमने नंबर लाइन बना के लिए, और उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आगे अनलिमिटेड।
और नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इतना ही डिफरेंस है होल और नेचुरल में, जीरो का। अब यहाँ पर बोला है कि होल नंबर्स बता, जो होल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो आप एक को नंबर सेट लिख दो, जी सेट ले सकते हो, मैंने डी ले लिया। तो होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ओके, कहीं से भी आप स्टॉप करके आगे डॉट डॉट डाल दो, मैंने 3 के बाद डॉट डॉट, 4 के बाद, 5 के बाद भी डॉट डॉट लिख सकते हो। तो दो तीन नंबर लिख दो, जस्ट राइट डाउन 2, 3 नंबर्स एंड देन डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दिया था, लिमिट इज नॉट गिवन कि कहाँ तक आपको लिखने हैं वो नंबर्स, फिर वही हो गया इनफाइनाइट। ओके, तो जिसके भी आंसर अनलिमिटेड है इनफाइनाइट। आगे नेक्स्ट वन बोला है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं लगभग जो भी आज तक आपने पढ़े हैं वो सब रैशनल नंबर ही होते हैं, एक थोड़ी बहुत कंडीशन से 8th स्टैंडर्ड में था ये रैशनल नंबर, मतलब लगभग सारे नंबर्स आ जाते हैं उसमें, चाहे वो अपॉन में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बस कुछ एक ही टाइप के जो नंबर्स है वो उसमें नहीं आते, जिनको हम इरेशनल बोलते हैं, और वो होते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ा सा, वो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब पॉइंट्स में होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रिपीट नहीं होता है, कि एक सीक्वेंस नहीं होता है रिपीट का, कुछ भी नंबर आते जाते हैं, मतलब कुछ आप नंबर लोगे उनको डिवाइड करने बैठोगे तो आंसर आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, लेकिन आने में भी दो टाइप के आंसर्स होते हैं, एक होता है कि हाँ 666 रिपीट हो रहा है, या फिर 55 या 501 जो है वो रिपीट हो रहा है आंसर में बार बार, लेकिन कुछ ऐसे आंसर होते हैं जिसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कुछ भी आ जा रहा है आंसर में, वो इरेशनल होते हैं, तो उसको छोड़ के जिसमें कुछ भी सीक्वेंस नहीं होता, कुछ भी आंसर आ रहा है और आते ही जा रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा है, तो वो उनको इरेशनल बोलते हैं। और बाकी सारे नंबर्स मतलब 99% आप जितने नंबर्स को जानते हो सारे क्या होते हैं, रैशनल। तो ये भी बहुत सारे होते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइट। तो बस जस्ट जिनके आंसर्स हम लिख सकते हैं उनको लिखो, और बाकी को नॉलेज से ये इनफाइनाइट होएंगे कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सो दिस इज आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज 1.2, and then I'll send the video of 1.3 soon, and then just write down this one and revise as much as you can by watching this video. Till then, bye bye, see you soon.